हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में और उसका इंडेक्स एनालिसिस करने वाले हैं 21 अगस्त 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक बना डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी फिन में यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फिन निफ्टी में फ्राइडे के दिन 0.34% का नेगेटिव मूव, 19481.25 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर पॉजिटिव मूवमेंट आने वाला है, उस बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम जो है मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस बनने वाले जरूर आपको मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे हमारा क्या ओपिनियन बनता है यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए वो भी हम आपको जरूर कहेंगे। तो चलिए बिना समय गए सबसे पहले देखते हैं डेली के चार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे किस तरह का ट्रेंड यहाँ पे अभी भी डेली के चार्ट में बन रहा है। तो डेली के चार्ट पे अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ निफ्टी फिन सर्विस में, तो यहाँ पे फिन निफ्टी भी जो यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है जैसे बैंक निफ्टी का हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको आप जरूर देख लेना। यहाँ पे ये भी जो जरूर नेगेटिव चल रहा है, अभी भी ट्रेंड जो है जरूर पॉजिटिव यहाँ पे देखने मिल रही, लेकिन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो नीचे के साइड में ट्रेंड जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो है जरूर एक पुल बैक देखने मिल सकता है अगर यहाँ पे इस फॉल को जो यहाँ पे कंटिन्यू करना है यहाँ पे हमारे इंडेक्स को। तो बाकी RSI 3132 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए सीधा हमारे 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है मंडे के दिन। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो 19451 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 19442 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 19484 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको यहाँ पे जो है इंडेक्स हमारा घूमते हुए देखने मिले यानी कि फिन निफ्टी घूमते हुए देखने मिले मंडे के दिन, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में इंडेक्स हमारा क्रॉस ऑफ फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजी का जो वीडियो एक है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 19402 का, उसके बाद 19357 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 19526 का, उसके बाद 19584 का। तो यहाँ पे ये जो मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का, लेकिन नो ट्रेडिंग जोन में मैं पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि 19442 से लेकर 19484 के रेंज में मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने में से थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने में से फिर रिवर्सल में स्टॉक नो ट्रेडिंग जोन में हमें क्लोज होते देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया हुआ तो स्टॉक और भी यहाँ पे हमारा इंडेक्स और ऊपर जा सकता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करते हुए हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे मंडे के दिन किस तरह का यहाँ पे ओपनिंग होता है वो आप जरूर देख लेना। बाकी मेरा ओपिनियन जरूर एक पॉजिटिव साइड का है वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।